और उस वक्त हम ऐसा लगता है लाइक वो बहुत दिन पे होता है, रियलाइज ही नहीं हो रहा किसी दो हफ्ते पहले. एट दैट टाइम ऐसा लगा कि यू नो हम साउथ के, वी मेड आर हिंदी फिल्म, दिल से बनाया, चाहते थे कि आप सबको अच्छा लगे, यू नो. सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ फीलिंग. बट लास्ट नाइट जैसे मैं अभी कह रहा था, was the best night of my professional life. And I'm saying that without any irony, mostly क्योंकि 10-15 दिन पहले जब हमारा प्रमोशनल कैंपेन ट्रेलर के बाद स्टार्ट करना चाहे थे, मतलब हिंदी फिल्मों का ऐसे प्रचार होता है ना कि यू नो आप गए डांस इंडिया डांस के शो पे, कपिल शर्मा जी के शो पे, तो जब हमारा प्रमोशन का टाइम आ गया, पता चला कि कपिल जी इज शूटिंग फॉर अ मूवी, सो इज नॉट डूइंग द शो. जब हमें पता चला कि डांस इंडिया डांस का भी सीजन खत्म हो गया, फिर लाइक अरे हाउ डू वी टेल पीपल, मतलब मास ऑडियंसेस जो जनरल ऑडियंसेस जो टीवी देखते हैं उनको पता चलना चाहिए कि मूवी कैसी है. फिर हमें लगा यार हम बता दे रहे हैं कि मूवी अच्छी ठीक है, क्यों ना दिखा दें. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री अ बिग इंडियन फिल्म टुक द डिसीजन 10 days in एडवांस बिफोर रिलीज, 10 different सिटीज will team up with a pay portal like BookMyShow. Audiences can book tickets and watch the film. So we started with Pune. The moment we opened within 1 hour, Pune sold out. Mujhe laga shayad mere Telugu fans hi honge jinhone tickets book kar liya. But it was so beautiful wahan par ki we saw some lots of Marathi folk. We also saw suddenly after the screening was done, log cheer kar rahe the, log chilla rahe the, jaise Sandeep Puri Krishna amar rahe. It was a beautiful moment. Suddenly, we saw a para special forces commando in a wheelchair, and his wife, a lieutenant colonel, herself. और उनके family के साथ वो आए थे. Tickets book करके आए. वो कह रहे थे कि रोंटे खड़े हो गए हैं. Was crying and he said, "Thank you for doing this. This is Major Sandeep." यार मैं बोलूँ कि मेरे बहुत सारे हिट्स हैं जो तेलुगु में, बट दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग. देन वी वेंट टू अहमदाबाद. मुझे ऐसा लगा ये कोई विजयवाड़ा जैसा कोई मास सेंटर जहाँ पे लोग चीख रहे थे चिल्ला रहे थे मूवी के लिए. सो इट वाज सो ब्यूटीफुल. जयपुर लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को हमारी स्क्रीनिंग्स में, इट हैज बीन an extremely, extremely proud moment. उसके साथ साथ ये भी है कि आप ये सोचो जब हम 10 दिन पहले एक फिल्म को स्क्रीन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें कैन गो रॉन्ग. कहीं ऐसा ना हो जाए व्हेन समबडी बाय द टिकट, वो यूट्यूब पे जा सकते हैं, बोल सकते हैं I don't like the film, वो बोल सकते हैं I like the film, कुछ भी हो सकता है. जो 3 साल की जो मेहनत है ना, all of that can go wrong when you do something like this, when you take a daring step like this. But यार people understood the emotion of what we're trying to do and the power pushing us. Finally, we came to Mumbai and we did a screening for the National Security Guard. एक तो main headquarters तो Manesar, Manesar में मतलब यहाँ से एक रेल लगा दूर. And then the other big hub for the National Security Guard is Mumbai. याद रखिएगा कि National Security Guard Mumbai has been opened 26/11 की वजह से खुला है नया base वहाँ पर. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई का जो मेन गेट है ना, उसका नाम है उन्नीकृष्णन द्वार. कैंपस के सेंटर में है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो एक स्टैचू. 312 कमांडो और उनके फैमिली के लिए हमें स्क्रीनिंग की टीम आया है. और ये बाकी 3 जगह की तरह इट वॉजेंट लाइक लोग शोर नहीं मचा रहे थे, कोई चिल्ला नहीं रहा था, तो हमें डर लगने लगा कि यार तो मूवी अच्छी नहीं लगी, मतलब क्या हुआ. They were thinking maybe we made a mistake on uniforms because army काफी गुस्सा हो जाता है when uniforms are not portrayed properly. One major came to me said group commander बुला रहे हैं headquarters पे चलो. रात के 11 बजे screening खत्म होने के बाद मैं सोचने का shit क्या हो गया. We got in the convoy, headquarters पहुंचे, and then I've been showing this flight में भी है सबको दिखा रहा था. The national security guard gave us this medal. This
is from the National Security Guard Black Cat Commandos, 26 Special Composite Group, Mumbai. This award, this is probably more important than an Oscar for people like me. क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल है ना, एग्जैक्टली मेजर संदीप का प्रोफाइल, ट्रेनिंग ऑफिसर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. इंडिया में आर्मी बहुत एलीट है, आर्मी के एलीट लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में यू नो दे एनरोल इन इट, एंड उनके ट्रेनिंग ऑफिसर थे. सो ऐसे ट्रेनिंग ऑफिसर जब हमें ये देते हैं और जब वो कह रहे हैं कि दिस मीन्स समथिंग, दिस इज वेरी एक्यूरेट, अब क्या फाड़ू बोलिए जब ऐसे बोलते हैं. It touches your heart and makes you realize, यार कुछ चीजें हैं, they are bigger than films. तब मुझे realize हुआ कि major एक film नहीं है, it's an emotion. And I mean that. So, अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, I wanted to show. This is Pune. ये थिएटर में. This is Jaipur. And it just. We know why we're doing this. Movie comes out June 3rd, but this promotion campaign started. हमको ऐसे लगा यार साउथ के फिल्म डब कर दिया. Now we are clear that no, this is a proper Hindi film, proper Telugu film, proper Malayalam film. दिल से बना. This is the life story of Major Sandeep and Krishna, and this is where we are. Thank you. माइक ऑन कर देना. हाय हाय ऑल ऑफ यू, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया. पहले तो आप सबका वेलकम है, और बहुत अच्छी मूवी, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा था तो बहुत अच्छा हमें लगा था, लाइक गूज बम्स आ गए थे. बट अभी मैं पूछना चाहूंगी सही से कि जब इससे पहले आपने जो मूवी करी है वो दबंग, बट वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक देश पे बनी पिक्चर है, एक सोल्जर की रियल लाइफ स्टोरी है. तो क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस डिफरेंस थे, कितना आपको डिफिकल्ट या कोई ऐसा मोमेंट लगा कि एक इंसान खुद इमोशनल हो जाता है, तो वो कोई आपका इसमें ऐसा मोमेंट था? जी, दबंग से तो ये बहुत ही अलग मूवी है, लेकिन आई थिंक मैंने जब दबंग की थी तभी मैं उस हेल्थ स्पेस में थी कि मुझे और चीज़ें ट्राई करनी है. और जब मैंने ये मूवी और ये कैरेक्टर सुना तभी सीम चैलेंजिंग, पर आई ऑल्सो वॉन्ट टेक इट अप एज अ चैलेंज कि मुझे ये कर दिखाना है, एंड आई होप आई डन जस्टिस टू इट. हेलो, बाय द वे आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, हम आज दिल्ली इसलिए आए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हम आपको मूवी दिखाने वाले हैं. आपको पता है दिल्ली के ऑडियंसेस के लिए हम स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज शाम को, सरप्राइज स्क्रीनिंग. थैंक यू, थैंक यू. सर आपसे एक सवाल है कि ये मेजर संदीप के ऊपर बनी उनके लाइफ पे बनते हुए हैं, तो सर अगर मेजर के साथ उनका नाम भी जोड़ देते तो रियली उनका एक ट्रिब्यूट हो जाता, मेजर संदीप फिल्म का नाम होता तो. आई थिंक मेजर इज मोर यूनिवर्सल, इट इज अबाउट मेजर संदीप को नहीं यूज़ना, टाइटल में क्या है जी, मेजर इज मोर पावरफुल टाइटल, सो वी जस्ट नेम्ड इट मेजर. It's based on Major Sandeep Unnikrishnan's life. But sir, commercially कुछ liberty ली गई है film के लिए या? जी बिल्कुल. It is a very commercial film. It has action. Action जो hotel के अंदर बहुत हो गया नहीं बराबर. उस action को हमने design किया है. It's a very sleepy action film. Hi Adivi, I'm Karan from NBC Hindi News.
सर आपसे जानना चाहूंगी, ये आपकी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म है, तो इस फिल्म में आप एक मेजर का जो है रोल निभा रहे, तो किस तरह की खास आपने ट्रेनिंग ली थी एक सोल्जर की ट्रेनिंग, सोल्जर का रोल के लिए? बिकॉज मेजर की जो लाइफ स्टाइल होती है बिल्कुल ही अलग होती है, तो किस टाइप की खास आपने ट्रेनिंग ली थी? हाँ यार, ये दिस वॉज अ वेरी टफ वन. सी आई नो फॉर माई तेलुगु एक्शन फिल्म, जहाँ पर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, थोड़ा स्टाइल मार के गन फायर कर रहा हूँ, डू दैट. और मेजर संदीप तो एक सुपर सोल्जर है, राइट हैंडेड, एकदम तगड़ा, वाइड स्टैंस, एकदम अपराइट, वॉइस चेंज, मिलिट्री का बूट कैंप, ये सब कुछ करना पड़ा. ऑन सेट पे भी मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एडवाइजर्स थे जिन्होंने कमांड्स ये सब बहुत चेक करे. तो उन्होंने कहा, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था यार वी डिड अ ग्रेट शॉट, उन्होंने बोला नहीं योर कमांड इज रॉन्ग, फिर से सब कुछ करना पड़ता था. सो इट वॉज वेरी वेरी टफ. इसके साथ साथ ये भी है ना कि आई एम प्लेइंग डिफरेंट एजेस ऑफ मेजर संदीप्स लाइफ. तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले मैं हाइट 6'2" का हूँ, बट आई वॉज लाइक एट 84, तो 84 से 81, 81 से 79, 79 से 76, 73, बैक टू 76, बैक टू 81, बैक टू 76, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो अलग अलग एजेस अलग अलग टाइम्स पे शूट करेंगे. Hello sir, I'm Shelly Bivak from 10 years. That's my sister's name. I mean, the other one, but Shelly. Pleasure sir, it's an honor. I would like to congratulate you on the exceptional response that you're getting and best of luck for the release as well. So my question is that since this movie is revolves around the national security and the army, did the censor board suggest any changes or was any information within? We did it the other way around. हमने पहले ADGPI को लिखा है इंद्रित दिल्ली में, got their entire permission, made any changes that they suggested, and then went to censor. And sir, did the government and other security forces extend any support because in terms of the places where the shoot was going on or the people that were involved? Lots. See, हम जब बोलते थे we are making a film, लोग बोलते ठीक है. हम जब बोलते थे हम मेजर संदीप बोनी के शंके लाइफ स्टोरी बना रहे हैं, अच्छा बताओ. So it was a very different reaction the way we said it. See, it's a very big film, 120 shooting days, 75 locations. We built 8 sets. But logo ye realize nahi hota ki Major Sandeep's childhood and his younger days are in 80s and 90s. So it's a period film. Ye sab ke sath sath na bahut sare throughout the country military installations mein shoot karna tha. Ab jab bhi permission milta tha, jab bhi hum shoot karne wale hote the, military wale bhi sab cooperate kar rahe the. We get a COVID wave. जैसे हम शूट करने वाले हो रहे थे, दैट थिंग वुड हैपन एंड इट वाज वेरी टफ, बट आई एम सो हैप्पी दैट द आर्मी हैज बीन रियली सपोर्टिव. पर यार मैं बहुत खुश हो गया था जब वो रोने लगे मूवी देखते हुए. सो दैट वाज रियली गुड. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू दिल्ली. मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके लिए आज भी मेजर संदीप वाज इन द सेवंथ बैटालियन ऑफ बिहार रेजिमेंट. जी सर, बिहार. या सो did you meet any of his officers personally, did you, in order to get into this chain of connectivity, wo kaisa apne juniors ke saath the, seniors ke saath the? Of course we met. Kya is research? So ek to research ke mamle mein, not just his parents, not just his childhood friends, people he saved, hostages, people he saved in the NSG, logon jinko unhone train kiya, jo unke superior officers the, we met a lot of people. We met his superior officer colonel, I don't say his name for security reasons, in Seram Bihar, and there was something amazing he told us about the Indo-Pak border and the no man's land in between. That's there in the film. Mm-hmm. And it is a twist, it's a twist in the film, but it is a, and Major Sandeep was alone. It is a very, very cool thing that he told us. Or in fact, when we heard it, we were so excited. But we were thinking, will the army agree? Because you were putting something very, but they supported it, so very happy. How much of fiction it is, or it is pure? It is fiction. There is fiction. I can't really quantify it, but whatever fiction is very honest. See, it's also that if we want to exactly speak to the exact thing that happened, we have to make a film jo 31 years ago. सो कभी कभी क्या होता था कि वील टेक फाइव डिफरेंट इंस्टेंसेज फ्रॉम फाइव डिफरेंट ईयर्स और उनको एक सीन में लगाया. तो हमारा जस्टिफिकेशन ये था कि वी नीड टू बी ट्रू टू हिज सोल, एंड इफ वी डू दैट वी विल ओके. हाय,
दिस इज निशा जैन फ्रॉम बालाजी न्यूज, वेलकम ऑल ऑफ यू. मेरा सवाल है कि अपने संधि उन्हीं क्वेश्चन के पेरेंट्स को बायोपिक बनाने के लिए किस तरीके से समझाना पड़ा और ये कितना कठिन रहा आपके लिए? बहुत कठिन है. तो पहली बार अंकुल को फोन किया कि हंगर को फोन, दूसरी बार फोन किया गुस्सा करके फिर से फोन रख दिया उन्होंने, तीसरी बार हमने एक लड़की से फोन करवाया तो उन्होंने हैंगअप नहीं किया, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है. मैंने फोन छीन लिया, मैंने कहा अंकल प्लीज एक बार नहीं दीजिए, प्लीज एक बार नहीं दीजिए. सो वी वेंट एंड मेट अंकल एंड अम्मा, आई कॉल हर अम्मा नाउ, वी मेट अंकल एंड अम्मा सेवन टाइम्स. सेवेंथ टाइम अंकल सेड ठीक है, आई बिलीव यू विल मेक अ मूवी ऑन माई सन 10%. तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँ. सो वी गॉट अप, मैं लिफ्ट के पास गया, अम्मा वाज स्टैंडिंग नियर द डोर. उन्होंने कहा संदीप बोल रहे, तो मोमेंट शी सेड दैट हमें पता था परमिशन. एंड ओरिजिनली हम अंकल और अम्मा से इसलिए मिले थे बिकॉज हम उनका ब्लेसिंग चाहते थे, उनका परमिशन. पर मैं आज दिल से बोल सकता हूँ कि आज वो फैमिली ऑफ स्क्रीन तो मैं मेजर संदीप नहीं बन सकता हूँ, बट आई कैन डेफिनेटली बी अ सेकंड सन. हेलो सर, दिस इज अशिका फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण. माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाई ओनली मेजर संदीप? क्योंकि 26/11 अटैक में काफी जवान जो है शहीद हुए थे, तो आपने इन्हीं को क्यों चुना? काफ़ी जवान नहीं शहीद हुए थे 26/11 के बाद में. एक्चुअली फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड साइड ओनली टू पीपल, हवलदार गजेंद्र सिंह एंड मेजर संदीप. बट द गोल इज नॉट टू मेक अ फिल्म ऑन द अटैक्स. 26/11 के बारे में नहीं बनाना था. वी वर मोर इंटरेस्टेड मेजर संदीप लाइफ. क्या आप जानते हैं कि वो कारगिल में थे? इनफैक्ट ही वॉज इन मिशन विजय जिसमें कैप्टन बत्रा भी. He was a training officer in Haryana. Hyderabad cantonment mein captain hai. So there's so many chapters of his life that are so beautiful. Aur sirf locations ke hisab se nahi hai, it's also the different phases of his life. Frank Anthony Public School mein jis tarah se wo, you know, doston ke sath ghoomte the, his school crush, bunking class, eating ice cream. He was a big Schwarzenegger fan. Dost sabon ko Sandy bulate the. इनफैक्ट फर्स्ट 35 मिनट्स आप मूवी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या मैं जाने तो ये जाने ना देख रहा हूँ, लाइक वॉर फिल्म का है, यू नो, लड़ाई झगड़ा का है मतलब. बट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ये दिखाएं कि जो ग्रेट लोग होते हैं ना वो पैदाइशी ग्रेट नहीं होते हैं. मेजर संदीप वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर. ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि माँ के साथ खीर खाना, पिताजी के साथ टाइपराइटर को फिक्स करने के बारे में बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ना सेकेंड हाफ में ये दिखाते हैं कि वो जब कश्मीर में, जब वो ताज के अंदर है, हाउ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन्फ्लुएंस हिज डिसीजंस. सो द गोल वाज नेवर टू मेक अ मूवी अबाउट दिस गाय. हेलो, आप दोनों का क्या, जैसे पूरी फिल्म उनके ऊपर आधारित है तो आपने जैसे मेडल दिखाया कि वो आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, ऐसे कोई प्राउड मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो मेकिंग ऑफ द मूवी में आपको महसूस हुआ हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप दोनों ने, सही और आप? आई थिंक जब सेकेंड वेव हुआ था ना, सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक, आई वाज हेल्पिंग आउट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, यू नो, ट्राइंग टू फाइंड हॉस्पिटल बेड्स. सब हम सब इसी स्टेट ऑफ पैंडेमिक में. सो फाइनली द सेकेंड वेव एंडेड और शूटिंग करने का जिससे परमिशन मिलने और 6 महीने के बाद आई पुट ऑन द यूनिफॉर्म. जैसे वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो केवलर बेस्ट, वो MP5 वेपन, वो सिख रिवॉल्वर, वो सब मैं पहन के जैसे स्टूडेंट फंड मिले ना, मुझे ऐसा लगे लाइक दिस इज समथिंग स्पेशल. ये कोई एरी एक्शन फिल्म नहीं है, दिस इज बिग मैन्स लाइफ. सो एक पैंडेमिक की वजह से वो जो पूरा एक डिप्रेशन वो सब आ जाता है ना, तो मोमेंट आई वोर द यूनिफॉर्म तब जोश आ गया. तो उस दिन मुझसे कोई पूछता कि हाउस द जोश, मैं तो बोल देता सुपर 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 हेड टू द मैक्स. That was a very memorable moment.
I think for me, the most memorable moment was watching the movie a few weeks earlier with my family, because I'd not seen anything of the movie except my dubbing before that, and just to see my family react the way they did. Mere papa, jo normally kuch zyada bolte nahi hai, wo almost tears mein the. मेरे अंकल और आंटी जो बिल्कुल मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है वो रो रहे थे. तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट दिस इज आवर चिल्ड्रन. हेलो शेष, हेलो शेष, शेष क्योंकि महेश बाबू जी की फिल्म है जो साउथ की सुपरस्टार नहीं बल्कि अब इंडिया की सुपरस्टार है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो कितनी प्रेरणा उनसे मिली या फिर सेट पर कभी उनसे मुलाकात हुई हो आपको, आए हो कि बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ सिखाया हो या कुछ कुछ शेयर करना चाहें आप? मतलब वो सेट पर तो नहीं, पर ये हुआ था कि नम्रता जी हु इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड आल्सो द प्रोड्यूसर एंड हिज वाइफ, शी वाज ऑन विद अस एवरी डे. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज द बैकबोन ऑफ द फिल्म. बीच में बहुत बड़े ओ टी टी के ऑफर्स मिल गए थे, उन्होंने तब एक बात कही, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बिग स्क्रीन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, बिग स्क्रीन पे पहले कर देते हैं. तो उस तरह के इंकरेजमेंट, उस तरह का सपोर्ट, और ये फैक्ट कि वो विदाउट लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट ही अनाउंस द फिल्म. एटलीस्ट यहाँ पर शायद पता नहीं होगा, बट एटलीस्ट साउथ में ये पहली बार है कि महेश सर हैज डन अ फिल्म विद अनदर हीरो ऑन हिज गाने. इससे पहले हमेशा उससे वो एक्टिंग करते थे अपने गाने पर, तो पहली बार ऐसा हुआ और वो भी बिना स्क्रिप्ट सुने, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते थे कि हमारा पैशन क्या है, कि मैं और शशि किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं. साउथ में वो फेमस भी अपने रिव्यूज के लिए, जब भी उनको मूवी अच्छी लगती है वो ट्विटर पे रिव्यू डालते थे, यार आई लव द मूवी, आई लव द मूवी करते हैं. सो ही हैज ट्वीटेड अबाउट आवर फिल्म गोड़ाचारी, हिंदी में बहुत ही बुरा टाइटल दिया उन्होंने, इंटेलिजेंट खिलाड़ी. And he loved Gurachari and he also loved Yavaru, my other film. So I think it was from a place of trust. So bahut vishwas kiya, and I'm so glad ki aaj subah unhone ek tweet dala, unhone kaha ki I truly loved Major, I truly loved watching it, I can't wait because I know India will also. हेलो सर, राजेश फ्रॉम टोटल कवरेज सर. सर मेरा सवाल एक्टर से है, आपके रोल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है, आप किस तरह की इसमें भूमिका अदा करिए, और दूसरा अगले सबसे मेरा सवाल है कि आपने जो है कि संदीप स्टोरी करी है, तो क्या इनकी आप फैमिली से मिले हैं या आपने पूरी उनके बचपन से लेके सारा उनका जाना है, और तीसरा ये है कि ताजमहल नाम से पिक्चर पहले भी आ चुकी है, वो 26/11 के ऊपर है, तो ये किस तरह से डिफरेंट है? तीन सवाल, फर्स्ट तो जो है कि मैडम से मेरा जो रोल है वो ईशा का है, जो मेजर संदीप की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड है और उनकी जर्नी दिखाई है, एंड आई थिंक शी रिप्रेजेंट्स काइंड ऑफ इनोसेंस एंड काइंड ऑफ प्योरिटी इन हिज लाइफ व्हेन ही वाज यंग. और आई थिंक मेरे लिए सबसे स्पेशल पार्ट ये कैरेक्टर प्ले करने में वाज द ग्राफ दैट आई गॉट टू प्ले, जो आपको मूवी में दिखेगा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच नाइस सच एन इंपॉर्टेंट मूवी. सेकंड जो है कि सर, थैंक यू सर अरे एक बच्ची ही रह गई है, एक उनको पूछ लेंगे. हेलो सर, इट्स निशा कश्यप फ्रॉम फिल्म लॉलीपॉप. थैंक यू भाई साहब, आपका आपका दूसरा सवाल उसके बाद ईशा का शख्स हम खुशी खुशी में बंधु में हैं सर. नहीं कोई नहीं सर, जी सर. जी सर, मेरा सवाल था कि होटल ताजमहल के ऊपर ना पहले भी कभी पिक्चर बन चुकी है, वो 26/11 के ऊपर ही है, तो आपकी पिक्चर किस तरह से अलग है? एक तो ये था मेरा सवाल, दूसरा कि आप जैसे मेजर संदीप वो पहले उसका जी सर, जैसे मैं कह रहा था उनका, आई थिंक शेली जी से भी, आई थिंक वाज इट टू हर, ये मूवी 26/11 के बारे में पिक्चर नहीं है, ये मेजर संदीप पुनिकृष्ण की जिंदगी के बारे में. सो इट इज अ फिल्म ऑन हिज लाइफ,
छब्बीस ग्यारह जितना इम्पोर्टेंट है इस मूवी में, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल का चाइल्डहुड भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. कम से कम 2-3 हजार लेटर्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ रिकॉर्ड. शशि सर तो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिल चुके हैं, मैं उनके सुपीरियर ऑफिसर्स और जूनियर से मिल चुका हूँ. उनके नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब वो जब से 18 इयर्स के थे, वो किन के साथ ट्रेन करते थे, उनसे भी हम बात कर चुके हैं. तो एक 360 डिग्री व्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज हार्ट. जी हाँ, थैंक यू. ओके, थैंक यू. आई प्रॉमिस सर. जी सर, मेरा सवाल है कि आपने बायोपिक किया मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का, तो आपने उनकी निजी जिंदगी से क्या अडॉप्ट किया है, को नेचर को बिहेवियर को अच्छा लगा?